किशोर का हित सर्वोपरि। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश एक होकर के लड़ रहा है, लेकिन जब मैं पश्चिम बंगाल की ओर देखता हूं मुझे दुख होता है, मुझे डर लगता है। पश्चिम बंगाल में आंकड़े स्पष्ट नहीं है। आज देश भर में एक प्रोटोकॉल है, कहीं पे किसी मरीज की डेथ होती है, वहीं का लोकल अस्पताल और डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि उस मरीज की मृत्यु किस कारण हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में बैठे हुए पैनल या डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि नॉर्थ बंगाल में किसी मरीज की मृत्यु किस कारण हुई। इससे ये स्पष्ट होता है पश्चिम बंगाल सरकार आंकड़े छुपा रही है, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके कारण फ्रंटलाइन के जो वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर है, नर्सेस है, उनके अंदर में भी ये भय का वातावरण पैदा कर रही है। इसी तरह दूसरी ओर प्रशासन आज लाचार दिखती है। बाजारों में अनावश्यक चीजों की खरीदारी के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और केंद्र सरकार को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। प्रशासन को चाहिए सख्ती से निपटे और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए। तीसरी बात, आज देश भर में हर प्रांत में, यहां तक कि केंद्र सरकार रोज बुलेटिन जारी करती है, स्पष्ट आंकड़े मीडिया के थ्रू पब्लिक के सामने रखती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर के पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर में एक भय का वातावरण पैदा हो रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, कृपया करके इन बातों पर आप ध्यान दें, जिसके कारण लोगों के अंदर में जो भय का वातावरण है उससे लोग उबर पाए और उस कोरोना वायरस से सख्ती से निपट पाए। जय हिंद, जय भारत।